सब्सक्राइब करें वीवो फूड वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है नोस्ट्रा प्रो एप्लीकेशन। नोस्ट्रा प्रो एप्लीकेशन एक लीगल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एप्लीकेशन है विच इज पावर्ड बाई पेटीएम, जहाँ पर आपके फेवरेट गेम्स के बारे में सब क्वेश्चन पूछे होंगे और उस क्वेश्चन के बारे में आपको सही से आंसर प्रिडिक्ट करना है, और अगर आपका प्रिडिक्शन सही रहा तो उसके सामने आपको मिलेंगे पॉइंट्स और वो पॉइंट्स आप रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वो कमाए हुए पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। और नोस्ट्रा प्रो एप्लीकेशन में आपके प्रिडिक्शन के लिए बहुत सारी गेम्स अवेलेबल है, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, कबड्डी है, फॉर्मूला वन है और बास्केटबॉल भी है। सो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक मेंशन किए उस लिंक पर जाकर नोस्ट्रा प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और खूब सारे पैसे कमाइए। सो आज हम दोनों करने वाले हैं चाइनीज फूड ईटिंग चैलेंज, और आज की चैलेंज में काफी सारे ट्विस्ट होने वाला है, सिर्फ खाना नहीं है, खाने के साथ ट्विस्ट भी बहुत सारे है, तो आज की चैलेंज पूरी देखना। और आज की चैलेंज के साथ साथ आज की पनिशमेंट भी काफी ट्विस्ट वाली है, तो उसको भी देखना मत भूलना। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अभी आज की चैलेंज शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारे पास टोटल 6 अलग अलग टाइप की चाइनीज डिशेज है, ये रही 6 मेरे पास है और 6 विश्व के पास है, लेकिन आपको नजदीक से दिखाते हैं कि ये 6 अलग अलग डिशेज क्या है। तो हमारे पास है चाइनीज बेल, ड्राई मंचूरियन, और हमने दो तरह के राइस लिए हैं, एक हक्का और एक सेजवान, चाइनीज नूडल्स एंड पनीर चिली। तो आज की इस चैलेंज में टोटल 3 लेवल होंगे और तीनों 3 लेवल में हम दोनों को एक एक चीज खानी है। वो क्या चीज खानी वो हम लेवल के पहले डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? हाँ भाई, ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है, अपना ब्लाइंडफोल्ड लगाकर ये खाना है, और जो भी चीज खानी है वो ब्लाइंडफोल्ड लगाने के बाद इसमें से ढूंढनी है पहले, तो कौन सी चीज किधर रखी है वो पता नहीं चलेगा। और जो प्लेट मेरे पास है वो मैं ब्लाइंडफोल्ड लगा के ये सब जो भी बाउल से वो शफल कर दूंगा, वैसे ही विश्व ब्लाइंडफोल्ड लगा के शफल कर देगा और वो दोनों प्लेट्स हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि विश्व ने कौन सी प्लेट किधर रख दी है, और विश्व को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी किधर सेट की है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद, और दूसरी चीज, उसको बाउल को हाथ में नहीं लेना, ऐसे ही दूर से सिर्फ चम्मच से उसमें से निकाल कर टेस्ट करना है, सिर्फ ऐसा, ऐसे ही खाना है, ये हाथ से कुछ भी नहीं टच करना है। तो अभी देखते हैं कि आंखें बंद करते हुए हम सिर्फ टेस्ट की मदद से सही चीज पहचान पाते हैं कि नहीं, और सिर्फ चीजें पहचान ही नहीं है, उसको सबसे पहले खाना भी है। तो भी आज की चैलेंज काफी मजेदार होगी। तो देखते हैं अभी कि कौन जीतता है। यस, तो चल सबसे पहले ब्लाइंडफोल्ड लगा दे। अभी तू अच्छे से प्लेट शफल कर। मैं शफल कर लेता हूं। अरे किधर है, अरे ये कहां कहां हाथ जा रहा है मेरे। कहां कहां हाथ जा रहा है क्या? अरे अरे मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मिला मिला कुछ। मम्मी बराबर है। मम्मी को क्या पूछ रहा है? अरे कुछ ऐसा टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं हो गया ये अंदर के बाउल? अरे चलेगा, उसमें क्या है। अभी पहले क्या खाना है चल वो बता। सबसे पहले क्या खाए? चल सबसे पहले हम बेल से स्टार्ट करते हैं, चाइनीज बेल से। चाइनीज बेल? हाँ। चलिए, तो उसके लिए मेरे को चम्मच की जरूरत पड़ेगी। अरे ये तो फोन। अरे मैं कुछ गलत खा गया तो? गलत खा गया तो तू हार जाएगा। क्योंकि राइस और नूडल्स का टेस्ट भी वैसा ही है, वो तो सब मिक्स है। हाँ, बेल में तो, बेल में राइस और नूडल्स दोनों आता है। चल रेडी? हाँ चल रेडी, चल रेडी भाई। पक्का नहीं दिख रहा है ना? अरे नहीं दिख रहा यार। चल रेडी, 3 2 1 गो। अरे ये तो, अरे ये क्या है? ये नहीं है। अरे ये आपका यूज नहीं करना है भाई। अबे सब एक जैसा ही लग रहा है, ये क्या है? अरे ये तो नूडल्स है, ये नूडल्स है, ये नूडल्स है। हाँ ग्रेवी वाला है ये, पता नहीं। मिल गई शायद। अब किधर गई? कुछ आ ही नहीं रहा अंदर। ये राइस है? अबे ये राइस लग रहा है मेरे को तो। मुझे भी ये राइस है, ये राइस, ये कुछ ड्राई है, ये ड्राई है, ये क्या है?
अबे ये अभी खत्म हो गया था भैया, किधर से आया? खत्म अभी ये है शायद, खत्म मेरा तो थोड़ा रह गया है। चल अभी निकाल दो, निकालना। अरे मैंने भेली खाई, तूने क्या खाया? मैंने भी भेली खाई है, लेकिन मेरा कितना बचा है? देख थोड़ा ही है, तेरा काफी है। किधर काफी है? ये रहा देख। अरे हाँ भाई, तो ये तू लेवर हार गया। तेरा दिखा तो कितना बचा है? देख विश्व का कम है मेरे से। तेरा ज्यादा है। विश्व जीत गया यार, मैंने यार। तो मैं पहले शायद ये घर आता तो भी फर्स्ट लेवल में तो विश्व जीत गया है। हाँ। तो भी सेकंड लेवल के लिए हमने वापस से ये जो भील हमने खाई थी उस बॉल में वापस टॉप अप कर लिया है। हाँ। क्योंकि कंफ्यूजन तो बना रहना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि फिर दूसरे लेवल में सिर्फ छह की जगह पांच ही ऑप्शन रह जाए। हाँ। अभी भी छह के छह ऑप्शन बरकरार रहेंगे। तो अभी सेकंड लेवल के अंदर क्या खाएंगे? अभी सेकंड लेवल में हम राइस खाएंगे, ये मंचूरियन राइस। कौन सा वाला? दो है हमारे पास। हक्का। हक्का मतलब ये जो व्हाइट वाला है। हाँ, ये जो ऑफ व्हाइट कलर का दिख रहा है वो। और ये वाला है हमारे पास। हाँ, ये रहा दूसरा रेड है। हाँ, ये जो शेजवान राइस है वो। तो हमको ये वाला खाना है, ठीक है? यस। अभी ये दोनों मंचूरियन राइस अभी टेस्ट में तो पता नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाले। हाँ। तो अभी एक दूसरे को वापस प्लेट दे देते हैं। ये मेरी प्लेट है, मैं विश्व को दे देता हूँ, विश्व उसकी प्लेट दे देगा, फिर आंख पर पट्टी लगा के वापस सफल करके एक दूसरे की प्लेट उसको लौटा देंगे। चल भाई मेरी वापस दे देना।
अबे तूने गलत राइस खा लिया। मम्मी बोलना ना था ना। ऐसा बोलना चाहिए ना कि विष्णु तू गलत खा रहा है। हक्का राइस खाना था, इसने शेजवान राइस खा लिया। अरे यार शिट। मैं तो यही खा रहा था देख तू। मैंने पहले क्या किया, मैंने दोनों राइस ढूंढे, दोनों को टेस्ट किया, फिर मैंने को कंपेयर करके पता चल गया तेरे को कंपेयर करना चाहिए। मुझे तो ये राइस मिला ही नहीं शायद। क्या मिला नहीं, छह तो प्लेट ऐसे ऐसे करके, और तूने बीच में कुछ नहीं रखा। मैं तो मैंने सोचा बीच वाला किधर गया बॉल मेरा। चलिए अभी कोई बात नहीं। सो ये थर्ड और फाइनल लेवल है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन जीतता है। इसमें जो जीतेगा वो चैलेंज जीत जाएगा। हाँ। क्योंकि हम दोनों का स्कोर इक्वल है। फर्स्ट में विश्व जीता था और सेकंड में मैं जीता था। तो अभी इस बार क्या खाएंगे? इस बार खाएंगे मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन। ड्राई मंचूरियन। हाँ हाँ, तो इसमें पनीर चिली और इसमें कंफ्यूजन होने वाला है। हाँ। वैसे तो पता चल नहीं होगा। हाँ वो तो फटाफट पता चल जाएगा, लेकिन इसको जल्दी से खा के खत्म भी करना। ये विश्व की थाली मैं ले लेता हूँ, मेरी विश्व ने ले ली। अभी ब्लाइंडफोल्ड लगा के शफल करके फिर वापस कर। ये राइस ऐसा लग रहा है, ये राइस ऐसा। अबे ये कुछ है, में लिया है मंचूरियन राइस और दूसरे बोल में है मंचूरियन नूडल्स। तो भी आप सोच रहे होंगे कि पनिशमेंट है, मिर्ची है, फिर ये दो बोल क्या कर रहा है, दोनों हाँ। लोग खाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आकाश भी खाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज की पनिशमेंट ट्विस्ट वाली होगी, तो ट्विस्ट ऐसा है कि ये दोनों चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ के अंदर मैं मिर्ची पाउडर डालूंगा। अभी वो विश्व बताएगा कि कौन सी चीज़ में, फिर आगे की चीज़ में आपको बताता हूँ किस में डालूं मिर्ची पाउडर बोल। यार किस में? राइस में डाल दे चलते। इतना सोच क्यों रहा है? तो भी कितना, एक पूरा चम्मच भर के? हाँ भाई एक चम्मच डाल दे, पनिशमेंट है तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये एक चम्मच चिली पाउडर, ये क्वांटिटी इसकी कम इसके लिए ली है कि एक चम्मच चिली पाउडर ज्यादा असर करेगा। हाँ। ये पूरा एक चम्मच चिली पाउडर जा रहा है मंचूरियन राइस के अंदर। ये तो भूला रेड रेड हो गया। इसका कलर ही चेंज हो गया भाई, इतना कौन खाएगा दिखा। तू ही खा ले, तू बड़ा भाई है ना। चल हो गया ये, अभी इसको मैंने लाल कर दिया है। अभी ट्विस्ट ये है कि विश्व को उसकी आंख के ऊपर लगाना पड़ेगा ये ब्लाइंडफोल्ड। और रुक जा अभी, रुक जा। और ये दोनों चीज मैं मेरे पास रखूंगा। ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड है। आपको बोले लेफ्ट में दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है क्योंकि मैं आपके अपोजिट बैठा हूँ। तो ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। तो अभी विश्व उसके आंख पर पट्टी बांध लेगा, उसके बाद मैं विश्व को पूछूंगा कि विश्व तेरी पनिशमेंट यानी कि ये मिर्ची वाला राइस ये किस साइड है, राइट या लेफ्ट। तो मेरे विश्व अगर सच बोलेगा कि राइट में है तो विश्व बच जाएगा। तो विश्व को ऐसे तीन चांस मिलेंगे, तीन में से उसको दो बार सही आंसर करना है तो विश्व बच जाएगा। अगर गलत आंसर करेगा उसके कम से कम दो आंसर सही होने चाहिए तो विश्व पनिशमेंट में से बच जाएगा। बराबर। हाँ चल रेडी।
अच्छे से लगा लिया। अरे लगा दिया। रुक जा अभी। बोल अभी क्या बोलो, तेरी पनिशमेंट मेरे राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड? राइट साइड। क्या राइट साइड क्या है, वो तीखा वाला राइस या फिर नूडल्स? तीखा वाला राइस। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है चल अभी रुक जा, अभी बता अभी राइस किधर है तेरा पनिशमेंट वाला? राइट साइड। राइट साइड है? हाँ। अरे ऐसा नहीं, नहीं नहीं राइट साइड है, राइट साइड है। मुझे पता चला कि तूने ऐसे ही आवाज की। ठीक है शायद मैं भी गलत हूँ। चल अभी अभी बता राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है यार। अभी भी वैसे ही आवाज आई। पनिशमेंट वाला राइस किधर है, राइट में या लेफ्ट में? रुक जा अभी मैं कंफ्यूज हो गया। रुक जा अभी, तूने शायद देखा है। अरे नहीं देखा है भाई। मेरे को रखते ना, बस अभी बता यार। राइट में है या लेफ्ट में है तेरा राइस पनिशमेंट वाला, जल्दी बोल। राइट में है। राइट में? हाँ। पक्का? हाँ। अरे एक बार सोच ले। नहीं नहीं पक्का, चल हटा दो। तू दो बार गलत हुआ। क्या दो बार हुआ? सिर्फ फर्स्ट टाइम तो सही था, दूसरी भाई तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे को उल्लू बनाना मेरे लिए बायात का खेल है। चल पकड़ खा ले मिर्ची वाला राइस। या कैसा है, तीखा नहीं है? कड़वा लग रहा है। ला क्या ला? वो कड़वा तो मिर्ची ज्यादा खाई है इसके लिए। अरे बाद में तीखा। हाँ लगा लगा। जब भी आप ज्यादा मिर्ची खाते हो तो मुंह में रखते वक्त तो वो कड़वी ही लगती है, मतलब लाल मिर्ची पाउडर होता है, तो फिर दो तीन सेकंड चार सेकंड के बाद वो रंग लाती है। चल जल्दी ना, क्या यही खाना है? देखो मैंने तो विश्व को चांस दिया पनिशमेंट से बचने का, लेकिन अभी क्या करें? दी ना। क्या पनिशमेंट? मैंने थोड़ी दी, तूने अपने आप से पसंद करके ली। मैं पानी पी सकता हूँ? नहीं खत्म कर फिर पी सकता है। बहुत तीखा है यार। तो बोल मत, फटाफट खा लेना, इतना तीखा लग रहा है तो। जल्दी कम ऑन विश्व। हाँ। तेरी टंग तो देख पूरी रेड हो गई, दिखा दिखा दिखा। खत्म खत्म खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ खाना हजम। सो आज का शॉर्ट आउट की फर्स्ट कमेंट है हेना सा की तरफ से। आकाश भाई एंड विश्व, यू गाइज आर सीरियसली एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड। मी एंड माई मॉम ऑलवेज वॉच योर ऑल वीडियोज। लव फ्रॉम स्टेट्स कैलिफोर्निया। माई मॉम इज बिग फैन ऑफ विश्व। थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग अस लाफ एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज के शॉर्ट आउट की नेक्स्ट कमेंट है टी एंड एम सॉल्यूशंस की तरफ से। हाई आकाश भाई एंड विश्व भाई, आई लव योर वीडियोज। द वे यू ऑल डू द फनी चैलेंजेस, इट्स जस्ट अमेजिंग। I and my sister just wait for your videos, and it's sure that you will be soon getting your diamond play button. May God bless you all and always keep making such videos. So thank you so much. Thank you. So आज के shout out के third और last comment है सुबह से करके की तरफ से। Every time I watch your video, I find it interesting. I had started watching your videos from a long time back, and now seeing it grows makes me happy. Waiting for 5 million subscribers on your channel. Love from Nepal. So thank you so much. थैंक यू। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।